चलिए आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। यस सर। आज हम सब पढ़ेंगे विशेषण। तो हम आज विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण क्या होता है, पता है विशेषण के बारे में? कोई बता सकता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। विशेषण मतलब जो विशेषताओं को बताता हो, किसी की विशेषताओं को जो प्रकट करे, वो क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को प्रकट करता हो उसे क्या कहेंगे? विशेषण। सबको समझ में आ गया? यस सर। फिर से एक बार रिपीट कर दें इसको। सर हाँ बोलिए। सर संधि चैप्टर को कॉपी में लिखना है हिंदी वेक्टर की। लिख लीजिएगा। ओके सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। फिर से इसको विशेषण को डिफाइन करें। यस सर, कर दीजिए एक बार और। चलिए सुनिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को प्रकट करते हों, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। समझ में आ गया? विशेषण। इतना समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद, ठीक है? तो विशेषण के कुल चार भेद होते हैं। कितने भेद? चार भेद। देखेंगे ध्यान से, मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ में देखिए, पहला है गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा है परिमाणवाचक। तीसरा है संख्यावाचक। और चौथा है संकेतवाचक। सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सर। यस सर, दिख रहा है। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। हम फिर से इसको पढ़ते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल चार भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। संकेतवाचक। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुणवाचक के बारे में। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो गुण कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई कमजोर होता है। ये क्या है? गुण है ना ये? यस सर। गुण है कि नहीं है बताइए? यस सर, गुण है। गुण है ना? तो देखिए सर, गुण है। इसकी परिभाषा सुनिए आप लोग गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। मेरे साथ साथ फिर बोलेंगे आप लोग। जो शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग आदि का बोध कराते हो, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप देखिए उदाहरण में लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने बताइए तो? नीला आकाश। आकाश आकाश तो है, लेकिन आकाश का रंग कैसा है?
आकाश नीला, क्या हो गया? नीला, क्या हो गया? नीला, ये गुणवाचक गुणवाचक विशेषण, आकाश का गुण है ना नीला होना। यस सर, यस सर। मोटा आदमी, मोटा सर, मोटा गुणवाचक विशेषण सर। यस, क्या है आदमी, कैसा है? मोटा, मोटा, मोटा। समझ में आया? जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग आकार आदि के बारे में बात की जाए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। आई बात समझ में? यस सर। परिमाण के बारे में बताएं? यस सर, यस सर। अभी भी किसी को कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। अब हम पढ़ेंगे परिमाण के बारे में। परिमाण क्या होता है बताएंगे जरा आप लोग? सर मापतौल, सर मापतौल, सर मापतौल, मापतौल, मापतौल। सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल की बात हो, अर्थात जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का बोध कराते हों, उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण वाचक कहते हैं। परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण वाचक। ठीक है, तो अब देखिए परिमाण वाचक के दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाण वाचक और एक अनिश्चित परिमाण वाचक। अनिश्चित। बात समझ रहे हैं आप लोग हमारी? यस सर, क्या मैंने बताया परिमाण? यस सर, मैंने परिमाण की विशेषता क्या बताई? बताइए तो, प्रांजल तिवारी बताएंगी। प्रांजल तिवारी बताइए। सर गुणवाचक विशेषण की क्या? परिमाण वाचक की विशेषता बताइए या उसका परिभाषा बताइए। परिमाणवाचक विशेषण, जोर से बोलिए। चलो शिवेश, शिवेश बताओ। शिवेश, श्रेया गुप्ता। यस सर, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात मापतोल का बोध हो, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। शिवांगी सिंह बताएंगे परिमाण वाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? सर दो भेद होते हैं। कौन कौन? निश्चित परिमाण, सर निश्चित परिमाण वाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण वाचक। निश्चित परिमाण वाचक की विशेषता अंबुज यादव बताएंगे। अंबुज यादव, जिन परिमाण वाचक का माप तोल निश्चित हो, उन्हें निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। अब कृति मिश्रा बताएंगी अनिश्चित परिमाण वाचक की परिभाषा। कृति मिश्रा, परिमाण का निश्चित। चलिए अब इसको, उसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग। उदाहरण इसका मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे दस केजी चीनी, ये क्या है, निश्चित है क्या? निश्चित है, निश्चित है। बिस्कुट, कुछ बिस्कुट सर, अनिश्चित है, अनिश्चित है। यस सर। चलिए एक बार, यस सर, समझ में आ गया। एक बार फिर से शिवेश सिंह बताएंगे परिमाण वाचक विशेषण की परिभाषा। शिवेश सिंह, परिभाषा बताओ परिमाणवाचक विशेषण की।
जिन विशेषण अंबुजी यादव तो से संज्ञा अंबुजी यादव सर जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाणवाचक परिमाण अर्थात माप तोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हाँ शिवांगी सिंह बताएंगी निश्चित परिमाणवाचक। सर जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप तोल का बोध हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। श्रेया गुप्ता अनिश्चित बताएंगे। ये सर जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। अब इसके बारे में किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। अगला पढ़ाएं? यस सर। अब अगला है सांख्यवाचक। अगला क्या है? सांख्यवाचक। ठीक है, तो इसमें भी संख्या निश्चित हो सकती है और अनिश्चित हो सकती है। आई बात समझ में? जैसे परिमाण में निश्चित और अनिश्चित हो सकता है, उसी प्रकार सांख्यवाचक विशेषण में भी क्या हो सकता है? निश्चित और अनिश्चित हो सकता है। देखिए सांख्यवाचक विशेषण की परिभाषा सुन लीजिए पहले। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांख्यवाचक विशेषण कहते हैं। सांख्यवाचक विशेषण। अब सांख्यवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित विशेषता निश्चित संख्या की विशेषता को बताते हैं वो निश्चित सांख्यवाचक विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को निश्चित न बताएं वो अनिश्चित सांख्यवाचक विशेषण कहलाते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तब तक मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे दो जैसे क्या होगा सांख्यवाचक में? दो कुत्ते और दो कुछ आदमी। अब इसमें बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा निश्चित संख्यावाचक है और कौन सा अनिश्चित है। सर दो कुत्ते निश्चित संख्यावाचक है और कुछ आदमी अनिश्चित संख्यावाचक है। चलिए शिवेश सिंह बताइए संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा बताइए शिवेश। प्रांजल तिवारी। सर जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराते हो उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की संख्या का संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। श्रेया गुप्ता कितने भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के? यस सर। सर दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सर दो। सर निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रीति मिश्रा बताएंगी निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? शिवांगी बताएंगी।
सर्वनाम के निश्चित संख्या के बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। और श्रेया बताएंगे दूसरा। सर, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। सत्यम सिंह। चलिए अब आखिरी है सांकेतिक संकेत वाचक विशेषण। ठीक है, संकेत वाचक विशेषण की परिभाषा क्या सर? क्या बोल रहे हैं? संकेत वाचक की परिभाषा क्या, सुन लीजिए। वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लग जाते हैं किसी शब्द में और संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेत वाचक। जैसे यह पुस्तक, वह घड़ी, ये क्या है? ये संज्ञा है और ये क्या है? ये सर्वनाम है ना? तो जो संज्ञा से पहले लगकर, एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ सुन लीजिए। ऐसे विशेषण, वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता को बताते हैं। जैसे यह पुस्तक मोटी है। यह पुस्तक, पुस्तक तो संज्ञा है लेकिन कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। तो पुस्तक से पहले क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। यहाँ भी घड़ी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। मतलब उस संज्ञा पर क्या किया गया है? संकेत किया गया है। समझ में आई बात? फिर से इसकी परिभाषा बोल दीजिए। यस सर। परिभाषा फिर से सुन लीजिए। इसको संकेत वाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसके दो नाम है, एक है संकेत वाचक और एक है संकेत सार्वनामिक। दोनों नाम है इसी के, एक ही के दो नाम है। ठीक है, तो इसमें ये परिभाषा बताया गया है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हो उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेत वाचक विशेषण। यह पुस्तक मोटी है, यह घड़ी बहुत अच्छी है। तो ये संज्ञा है ना, पुस्तक क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम, बताइए तो। सर्वनाम। तो यहाँ पे संकेत किया जा रहा है ना पुस्तक के बारे में कि यह पुस्तक, यह कलम। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। और कुछ पूछना है किसी को? यस सर। नो सर। चलिए ठीक है।